बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स, वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं दिखा देती हूँ। मैंने हाफ चेस्ट पीस तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है, इसको बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया है। इसी तरह मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके मैश कर लिया। 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ के लेके इनको रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा स्पाइसेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। नमक इसमें तकरीबन 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून ही इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च है। सोया सॉस इसमें 1 टेबलस्पून है। केचप इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून है। ज़ीरा भी 1 टीस्पून है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टीस्पून के बराबर है। चले आएँ जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी लिया है। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बटर नहीं है तो फिर आप रेगुलर ऑयल जो कुकिंग के लिए होता है वो यूज़ कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, साथ ही इसमें ये साबुत ज़ीरा डालेंगे, ये बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इसकी। प्याज शामिल कर दें। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको बस सौते करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है बस। प्याज सौते हो गया, अब इसमें चिकन डाल दें, साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल देंगे हम। सोया सॉस ऐड कर दें, केचप डाल दें, सब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। आलू जो हमने मैश करके रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। अब बस अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने इसको। चलें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम कटलेट्स की शेप दे सकें। मिक्सचर रेडी है हमारा। एक अदर अंडा लेके मैंने उसे फेंट लिया और ये ब्रेड क्रम्स हैं। अब हम कटलेट्स की शेप देते हैं इसे। हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लें, इस तरह कटलेट की शेप देके इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करके ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे हम इसे। इस तरह तमाम कटलेट्स मैं रेडी कर लूँगी। व्यस, चिकन पोटैटो कटलेट्स की कोटिंग हो गई है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल बस इतना डालें, हम शैलो फ्राई करेंगे इनको। ऑयल गर्म हो गया, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कटलेट्स रखते जाएं। कलर चेंज हो जाए तो साइड पलटते जाएं। कलर गोल्डन हो गया दूसरी साइड से भी, अब इसे निकालते जाएं। इसी तरह बाकी के कटलेट्स भी फ्राई कर लें। व्यूअर्स, चिकन पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। पसंद आती है तो लाइक का बटन क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि तमाम मेरी नोटिफिकेशन आने वाली आपको मिलती रहें। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।